वर्किंग में, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या काम करता है बात देखिए। तो एक्चुअली ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है और इसका लोकल नाम जंतर मंतर है। तो जंतर का मतलब इंस्ट्रूमेंट्स होता है, मंतर मीन्स कैलकुलेशंस। तो ये सब एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं और यहाँ से एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी से मुझे ऑब्जर्वेशन करती है, इसीलिए इसका नाम जंतर मंतर रखा था। ये 1728 में बनाया था और इसको बनाने वाले महाराजा सवाई जय सिंह थे। तो उन्होंने 5 जगह बनाए थे, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा एंड जयपुर। लेकिन जयपुर के जंतर मंतर के यंत्र वो अभी वर्किंग में, बाकी जगह वर्क नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनमें क्या है कि कुछ यंत्र ऐसे दिन में काम करते हैं, कुछ रात में। पोल है, नीचे इक्वेटर लाइन है और सारे यंत्र ये नाम लिखे हुए हैं इसके, नक्षत्रों के। दिख रहे हैं आपको बारीक बारीक नाम लिखे हुए ना, हिंदी में लिखे हुए, रोहिणी, भरणी, कृतिका। तो इस होल के ऊपर जो पैरेलल ऐसे लगा कि नॉर्थ पोल से एग्जैक्टली लगा करके उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा नक्षत्र है। लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल कितना डिग्री होगा वो मान चलेगा आपको आगे। टाइम दिखा आपको, वहाँ 12 है, ये 1 है, तो ये 1 घंटे का ब्लॉक है। तो ये 5-5 मिनट का डिवीजन है, 5 मिनट को 1-1 में डिवाइड किया, ऑलमोस्ट ये 6 लगभग 20 जगह तक है, ऑलमोस्ट यहाँ तक है। ये 10-15-20 करीबन 25 मिनट, यानी 1:25 या करीबन जयपुर में लोकल टाइम से लगभग बता रहा हूँ मैंने एग्जैक्टली। तो लोग लंबी करेंगे तो आएगी 1:25 बजे पर लोकल टाइम से, ऐड करेंगे हम कितना 27 मिनट, तो अपने घड़ी में करीबन 1:53 के आसपास, 52-53 एक दो मिनट आगे पीछे होगा। ये यंत्र भी रात में काम करता है, रात में इसके इधर बैठ करके आप सीधे इसी एंगल देखेंगे तो सामने आपको उत्तर दिशा में होता है, उत्तर दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कंपास। लेकिन रात के टाइम यह है सूर्य घड़ी जिसके मैंने बताया ना, रोज एक तरीके से काम करती है। सुबह 6 से 12 बजे तक का टाइम उधर, 12 के बाद में इधर, क्योंकि दीवार है। तो अभी परछाई यहाँ पे आ रही है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक मार्बल 1 घंटे का ही। इसको पहले बांटा है 4 पार्ट, 15 मिनट, 15 को 5-5 में बांट दिया, 5 को 1-1 में और लास्ट में 1 को 3 पार्ट, इसमें सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड तक का परफेक्ट टाइम मिलेगा। तो 12 यहाँ, इसके बाद 1, 15, 20, 25, 26 और 27, तो 1:27 मिनट यहाँ का टाइम है। और आप जोड़ दें 27 मिनट और 1:54 मिनट, मोबाइल में चेक करो अपने। ये जो है ना वो हम उत्तरायण दक्षिणायन देखा था ना, ये देखो इधर का दक्षिणायन पार्ट, वो उत्तरायण था उधर, ये दक्षिणायन है। यानी सर्दियों में सन की लाइट इधर रहती है, गर्मियों में उधर। तो इसका ही एक रफ वहाँ बना हुआ है सिर्फ उत्तरायण के लिए एक्सपेरिमेंट। अर्थ टिल्ट होती है, तो मैक्सिमम 23.5 डिग्री नॉर्थ में एंड 23.5 डिग्री साउथ में। हमने वहाँ देखा सूर्य इस समय नॉर्थ में स्पिन, सूर्य ना तो नॉर्थ में जाता है साउथ में, सन तो मुझे फिक्स है, सिर्फ अर्थ टिल्ट होती है। तो इस समय हमारी अर्थ है साउथ में टिल्टे, वो सॉरी नॉर्थ में टिल्टेड है, लेकिन कितना डिग्री टिल्ट है उसको चेक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। यूज़ करने के लिए इसका प्रोसेस है, इसमें रोड लगाते हैं, इस लंबी रोड लगाएंगे उससे शेडो इधर डायल पर गिरेगी। यदि सन नॉर्थ में रहेगा तो इधर, साउथ में रहेगा तो इधर। ये सेंट्रल लाइन इक्वेटर है, तो इस लाइन से जितने डिस्टेंस पे शेडो होगी वही उसका एग्जैक्ट एंगल होगा कितना डिग्री हमारे है। तो ये अभी चेक कर सकते हो, 12 बजे टॉप पे आए हो, उस वजह से आप पेन भी लगा दोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। इसका रफ है दूसरा वाला, क्योंकि इसमें मार्किंग है, उसमें मार्किंग है। ये राशि मालूम करने के लिए बना हुआ है कि सूरज किस राशि में है। तो ये क्या आकाश है,
यह आकाश है और इसमें प्लेट की छाया दिख रही है आपको, दिख रहे हैं बीच में, वो सूर्य है। मतलब सन को वहाँ ने देखिए यहाँ देख रहे हैं आप। तो टोटल राशियाँ 12 होती हैं, उनमें से 6 होती है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, 6 होती है साउथ में। अभी हमने देखा कि सन इस समय नॉर्थ में, लेकिन नॉर्थ की इस राशि में वो यहाँ मालूम चल रहा है। तो ये मेरे हाथ छाया दिख रही है आपको, ये लाइन देखो, ये वाला इक्वेटर लाइन है। तो इसके नीचे का पार्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये कैंसर लाइन है। तो 6 राशि इस ब्लॉक में है। इक्वेटर के ऊपर सदर्न हेमिस्फीयर है, ये कैप्रिकॉर्न है। तो 6 राशि सुपर वाले ब्लॉक में। 21 मार्च के बाद में छाया नीचे आती जा रही है, 21 जून को यहाँ आ जाएगी, यानी रोज़ यूँ तो जाएगी लेकिन नीचे आती जाएगी। 21 जून के बाद वापस रिवर्स होगी, 23 सितंबर को यहीं चली जाएगी। यानी कहने वाला सन को इक्वेटर से कैंसर तक आने में 3 महीने लगते हैं और 3 महीने वापस जाने में। तो पहले 3 राशियाँ नीचे आते समय, यहाँ से यहाँ तक एरिस, देन टॉरस, देन जेमिनी। 21 जून के बाद भी हो जाएगा कैंसर, ये लियो, ये वर्गो। उसके बाद में लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, ये ऊपर वाले में। तो अभी जो है देखो, यहाँ नाम लिखा हुआ ना, यहाँ और यहाँ, इस जब तक लाइन क्रॉस नहीं करेगी तब तक ये मेष राशि है। yes. कि कोई बच्चा जन्म लेगा उसकी मूल राशि मेष हो। इस यंत्र का नाम है राम यंत्र। ये दो पार्ट से बटा हुआ है कि इसका जो मिसिंग पार्ट है वो वहाँ पर है और उसका मिसिंग पार्ट यहाँ पर है। तो कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर दोनों को मिला के देख सिलेंडर टाइप बन जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण से एक घंटे ये काम करता है, एक घंटे ऐसे इस पोल की छाया दिख रही है आपको, स्लैब पे गिर रही है, एक मिनट वर्क कर रहा है। जैसे ही इसके नीचे आ जाएगी तो हमको वहाँ देखना होगा। इस इंस्ट्रूमेंट से मालूम करते हैं सन एंगल, कि सन होराइजन से कितना ऊपर है, एंड अर्थ कितना रोटेट हुई है। तो अर्थ 24 घंटे में ग्राउंड कर रही है, लेकिन अर्थ का रोटेशन स्टार्ट होता है दिन के 12 बजे से, जैसे आज 12 बजे से स्टार्ट हो गया, अब तक कितना रोटेट हो चुकी है, और इस समय सूरज कितना ऊपर है। तो शेडो यहाँ तक सन एंगल के लिए काउंटिंग ऊपर से स्टार्ट है, 0, 5, 10, 15 ऐसे आ रहा है, 30, 40, 45, 50, यहाँ 55, ये 60 और ये 61। तो इस समय यहाँ से सन का एंगल है 61 डिग्री, इस समय वो सन है, वे 90 डिग्री पर नहीं है, यानी कि यहाँ से जा रहा है एंगल वो 61 डिग्री है। एट अर्थ रोटेशन के लिए इस लाइन के स्पेस में देखो, और ये जीरो लिखा हुआ ऊपर, और उसके बाद 10, 20, 30, ये पूरा राउंड है। तो 12 बजे छाया जीरो की लाइन में यहाँ रहती है, 12 बजे इतना ऊपर गई इस लाइन के स्पेस में ऊपर, उधर देखो 50 लिखा हुआ ऊपर, दिख रहा है आपको स्ट्रेट इस लाइन ऊपर 50 है। तो 50 के बाद 51, 52, 53 एंड 54। तो 12 बजे से अभी तक 54 डिग्री हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर मूव कर चुकी है, रोटेट हो चुकी है। जैसे ही गैप में जाएगी तो हमको वहाँ देखना होगा। अगर एक साथ बना होता तो ना तो अपन आ सकते थे, ना ही सुन सकते। वो जो देख के आए अपन वहाँ पे राशि वाला देख के आए ना कंबाइंड, तो पहले वो बनाया लेकिन उसमें अंदर जाने का रास्ता नहीं था, तो उसको मॉडिफाइड यहाँ किया कि इसमें जो यहाँ का मिसिंग जो मार्बल है वो वहाँ पर है, उसमें इसका मिसिंग मार्बल इसमें, तो ये दोनों को मिला दे तो वो बन जाएगा वैसे जो राशि वाला देख के आए थे ना अभी पूरा, तो उस प्रकार का। तो उसमें क्या अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था, तो उसको मॉडिफाइड इसलिए किया कि अंदर जा सके। सेम वही उसी राशि में आ रहा है, इसमें जो लाइन दिख रही है ना बीच में स्केल टाइप से बनी हुई लाइन, वो इक्वेटर से इक्वेटर नीचे नॉर्थ हेमिस्फीयर है, तो नीचे जहाँ जिस ब्लॉक में छाया गिर रही है वो मेष राशि का ही जा रहा है। ये दो रास्ते छोड़ दिए इसमें, एक इधर से रास्ता है एक उधर से है, कि अंदर जा करके वो एग्जैक्टली ऑब्जर्व कर सके, वहाँ से रीड कर सके, इसलिए इसको दो भागों में डिवाइड करके बताया। जैसे ये छाया है ना थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये नीचे चली जाएगी या तो उसके मार्बल पर आ जाएगी, अल्टरनेट आवर वर्क करेंगे ये सेम उस प्रकार से। यहाँ ये राशियाँ हैं अपनी, ये सब 12 राशि है यहाँ पर। इनसे क्या है डिग्री मालूम करते हैं कि जिस जन्म कुंडली बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले लोकल टाइम जो ट्रेडिशनल, उसके बाद सूर्य की पोजीशन, फिर टाइम। तो अभी सन की पोजीशन कौन चल रही है, सन क्या है उत्तरायण दक्षिण है, उसे उत्तरायण में, और राशि मेष। तो मेष राशि यहीं नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में मेष राशि चल रही है।
जो बच्चा यहाँ होगा चाहे वहाँ होगा दूसरी जगह, तो राशि सेम ही रहेगी लेकिन हर जगह सन एंगल अलग होगा। तो इस समय यहाँ जयपुर में अभी इस समय सूर्य मेष राशि में कितने डिग्री पे, क्योंकि सन का एंगल अलग अलग होता है हर जगह, तो इस समय कितने डिग्री पे उसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये सब के बने हुए हैं, छाया सब में गिर रही है लेकिन उनका कोई यूज़ नहीं है, यूज़ हमें इसका करना है। तो अभी पर्चे यहाँ पर आ रही, तो ये शेडो है 360 यहाँ पर, ये 330 300, तो ये कम होती जा रही है, यानी हमेशा कम होती मिलेगी, ऐसे नहीं बढ़ते हुए क्रम में, हमेशा घटते हुए क्रम मिलेगी, क्योंकि सन मॉर्निंग से इवनिंग तक हमेशा नीचे जाता है। तो अभी यहाँ से यहाँ तक देखो ये 6 6 12 और 18, यानी 360 में से 18 डिग्री लेस करेंगे तो बच्चे कितने अपने पास में 342 डिग्री यहाँ से मालूम करने के बाद में, जो यंत्र देखा था नक्षत्र वाला स्टार्टिंग देखा, तो उसमें पाइप लगाएंगे नॉर्थ पोल से 342 डिग्री, तो पाइप के नीचे जो भी नाम होगा वो इस समय के नक्षत्र का होगा कि आकाश में ये नक्षत्र हो जाए। तो स्टार्टिंग बताया था प्लेट बना हुआ है, तो उसमें पाइप लगाने जाएंगे ये। जो घड़ी देख के आए थे अपन उसी का बड़ा वर्जन है ये उससे 10 गुना बड़ी है, और 10 गुना बड़ी होने के कारण 10 गुना ज़्यादा एक्यूरेट, मैंने बताया था ना आपको वहाँ पे। सेम वही प्रोसीजर है कि 6 घंटे का समय इधर, 6 घंटे का इधर, एक मार्बल 15 मिनट का है। वैसे छोटे बड़े हैं कुछ सारे बराबर नहीं है, क्योंकि एक साइज़ के सेम साइज़ से मतलब अगर गोल बनाना चाहिए ना इसे, ऐसा गोल बनाना संभव नहीं है, इसलिए इसके छोटे बड़े का, छोटे बड़े वहाँ भी है लेकिन वो क्या मालूम नहीं चलता है उसमें छोटे बड़े, लेकिन मार्किंग मतलब बहुत नज़दीक से ऐसे। अभी क्या है कि यहाँ देखो मार्बल दिख रहा है, छाया दिख रही है, उसके दो मार्बल ऊपर की तरफ किनारे पे देखोगे, इधर ही किनारे पे दो लिखा हुआ है, जस्ट किनारे किनारे चलोगे दूसरे मार्बल शेडो से ऊपर की तरफ दूसरे मार्बल पे दो लिखा हुआ है। तो दो बजने में करीबन इस समय 20-22 मिनट बाकी है जयपुर के लोकल टाइम से, ऐड करेंगे हम वही 27 मिनट, तो अपनी घड़ी का टाइम इस समय आ जाएगा करीबन 2:07-08 लगभग। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सन क्लॉक यह होने के कारण से गिरी, तो टोटल इस प्रकार से यहाँ 16 यंत्र बनाए जिनमें से 8 एक्चुअल है, 8 उनके एक्सपेरिमेंटल से ही। इन सब के यूज़ से उस समय आज से 300 साल पहले पंचांग बनाने का कार्यक्रम स्टार्ट किया था महाराजा सवाई जय सिंह। बनाने वाले ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी को बुलाया और कह दिया जंतर मंतर बना जाओ, ऐसा नहीं, खुद डिज़ाइन करने वाले थे महाराजा सवाई जय सिंह।